रुपए फी यूनिट महंगी की जाए। आईएमएफ का नया मुतालबा सामने आ गया, 10 जुलाई से पहले। पाकिस्तान आईएमएफ से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का ख्वाहां है। आईएमएफ ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भरी है। पाकिस्तान का चीन ताजिक अफगान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत, वजीर आजम ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करेंगे, चाहते हैं दोनों ममालिक में रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो, सरमायाकारी और तजारत के फरोग के लिए काम करेंगे। तजारती हजम में इजाफे के लिए सालाना बुनियादों पर अहदाफ का तयन करना होगा। वजीर आजम का दुशंबे में सदारती महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। शंघाई तावन तंजीम का दो रोज़ा सरबराही इजलास आज होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। वज़ीर आज़म तंजीम के इजलास में खिताब भी करेंगे, अहम इलाकाई आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म रूसी चीनी सदर से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी तावन जारी है। पेंटागन तर्जमान जनरल पैट्रिक का बयान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की हमारी लंबी तारीख है। अमेरिका पाकिस्तान में सिक्योरिटी तावन पर मजीद बातचीत जारी। फ्रांस इंतखाबात, दाएं बाजू की जमात का रास्ता रोकने के लिए मुखालिफ जमातें मुतहद, 200 उम्मीदवार दस्तबरदार, मजीद उम्मीदवारों का भी दस्तबरदारी पर गौर। फ्रांस में कबल अज वक्त पार्लियामानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। पहले मरहले में दाएं बाजू की जमात पहली बार पार्लियामान में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि बाएं बाजू के इतिहाद दूसरे और सदर मैक्रॉन का मोतदिल जमातों का इतिहाद तीसरे नंबर पर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।